अब बिजनेस में देखो आगे, इससे पहले आपने पढ़ा था नियोजन की सीमाएं और प्रक्रिया, ठीक है। अब आगे है योजनाओं के प्रकार। योजनाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ प्लान्स, तो नियोजनिक प्रक्रिया है कि प्रोसेस है ये, एक के बाद एक कदम चलने पड़ते हैं, और योजना उसका परिणाम है। योजना विशेष परिणामों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को पूरा करने का एक वायदा है। इस दृष्टिकोण से योजनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। योजनाओं के प्रकार को समझने में निम्न विवेचन सहायक होगा। प्रत्येक संस्था का एक केंद्रीय लक्ष्य होता है, ठीक है, जिसको गोल कहते हैं, जिसे मिशन भी कहते हैं। एक व्यावसायिक संस्था को अर्थपूर्ण तभी माना जाता है जब उसका कोई लक्ष्य हो, और लक्ष्य वह स्थायी योजना है जिससे संस्था की स्थापना का औचित्य स्पष्ट होता है। यह संस्था के व्यवसाय की विशेषता स्पष्ट करता है और यह बताता है कि एक संस्था उसी प्रकार के अन्य संस्थाओं से कैसे भिन्न है। जैसे एक शिक्षण संस्थान का लक्ष्य केवल लड़कियों को शिक्षित करना हो सकता है, इसी प्रकार एक अस्पताल का लक्ष्य केवल दिल के मरीजों का इलाज करना हो सकता है। तो लक्ष्य प्राप्ति के संदर्भ में अनेक योजनाएं तैयार की जाती हैं। सर्वप्रथम संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य जैसे 2,000 करोड़ रुपये बिक्री को पार ले जाना है, तो वह उसका उद्देश्य है। प्रतियोगिता का डटकर मुकाबला करते हुए संस्था के वास्तविकता में बदलने के लिए मोर्चाबंदी मतलब स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है। स्ट्रेटेजी क्या आती है? प्रतियोगियों का डटकर मुकाबला करने के लिए जो मोर्चाबंदी रणनीति बनाई जाती है उसको स्ट्रेटेजी बोलते हैं। विभिन्न प्रबंधकों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में एकरूपता लाने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, क्योंकि जो व्यवसाय के अलग अलग प्रबंधक होते हैं वे अपने अपने विभाग के लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उनमें एकरूपता लाने के लिए नीतियाँ बनाई जाती हैं। नीतियाँ निर्धारित कर लेने के बाद क्रियाओं का क्रम निर्धारित किया जाता है, जिसे कार्यविधि कहते हैं। इसी प्रकार पद्धतियाँ, नियम, बजट, कार्यक्रम आदि नियोजन के प्रमुख तत्व हैं। ये सभी योजनाएं कहलाती हैं। एक उच्च स्तरीय योजना निम्न स्तरीय योजना को जन्म देती है, इसलिए इन्हें एक प्राथमिकता क्रम के रूप में दिखाया जा सकता है। तो इसको आगे देखो, सबसे पहले उद्देश्य है, फिर मोर्चाबंदी, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, पद्धतियाँ, नियम, बजट और कार्यक्रम। तो ये सारे क्या हैं? योजनाओं के प्रकार हैं। अब हम इनको एक एक करके लेंगे। सबसे पहले है उद्देश्य। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाएं की जाती हैं। उद्देश्यों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: संदेश वहन प्रणाली में सुधार के लिए लगातार सभाएं करना और समाचार प्रकाशित करना, साबुनों की बिक्री को 20,000 करोड़ के पार ले जाना, इनमें से कोई भी उद्देश्य हो सकता है। प्रत्येक वर्ष 100 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, गुणवत्ता के कारण माल की वापसी को 3% तक लेकर आना, मतलब जो हमारा माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है उसके कारण जो हमारा माल वापस आता है उसको कम करके 3% तक लाना। उद्देश्यों में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए: उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, परिणाम से संबंधित होने चाहिए, ना कि उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं से, मापने योग्य होने चाहिए, इन्हें प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मोर्चाबंदी स्ट्रेटजी। मोर्चाबंदी वे योजनाएं हैं जो प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं और जिनका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव बनाना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई प्रतियोगी संस्था अपने माल की बिक्री बढ़ाने के लिए वस्तुओं के मूल्य में कमी करने जा रही है, या विज्ञापन के नए तरीकों को अपनाने पर विचार कर रही है, या उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कोई उपहार योजना निकाल रही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें भी अपनी मोर्चाबंदी करनी होगी। मोर्चाबंदी 2 प्रकार की होती है, बाहरी और आंतरिक। जिन प्रतियोगियों की योजना को ध्यान में रखकर हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, तो इन्हें बाहरी मोर्चाबंदी कहते हैं। यदि किसी परिवर्तन से संस्था के अंदर ही कोई समस्या उत्पन्न होने वाली है, तो उसका सामना करने के लिए पहले ही तैयारी करने को आंतरिक मोर्चाबंदी कहते हैं। जैसे कार्यालय में कंप्यूटर लगाना, जिसे अनेक व्यक्तियों की छटनी हो सकती है, इस व्यवस्था को लागू करने पर कर्मचारियों के विरोध का सामना करने के लिए पहले से तैयारी करनी होगी, ताकि नई व्यवस्था लागू हो जाए और कर्मचारी भी नाराज न हों।
उसके बाद है नीतियाँ। नीतियाँ भी सामान्य विवरण हैं जो निर्णय में कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु बनाई जाती हैं। इनका उद्देश्य एक ऐसी सीमा निर्धारित करना है जिसके अंदर रहते हुए ही कोई कार्य किया जा सकता है अथवा कोई निर्णय लिया जा सकता है। उद्देश्य ये निश्चित करते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है और नीतियाँ ये बताती है कि कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है ये नीतियाँ निर्धारित करती हैं। प्रायः हम कुछ नीतियों के संबंध में सुनते रहते हैं, जैसे सेवी वर्गीय नीति में ये निश्चित किया जा सकता है कि कर्मचारियों की तरक्की का आधार उनकी आयु होगा। एक बार ये निश्चित कर लेने के बाद किसी भी विभागीय कर्मचारी को कर्मचारियों की तरक्की के बारे में उच्च प्रबंधक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। विक्रय नीति, इसमें यह निश्चित कर दिया जाता है कि माल केवल नकद बेचा जाएगा या उधार भी। मूल्य निर्धारण नीति, इसमें यह निश्चित कर दिया जाता है कि वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसे निर्धारित किया जाएगा, अर्थात लागत में कितना लाभ जोड़कर विक्रय मूल्य तय होगा और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की क्या शर्तें होंगी। वस्तु में नीति निरंतर चलने वाला एक ऐसा निर्णय जो बार बार पैदा होने वाली एक समान समस्याओं या परिस्थितियों में प्रबंधकों का मार्गदर्शन करता है। फिर उद्देश्य और नीति में अंतर। ठीक है, उद्देश्य और नीति में अंतर। उद्देश्य क्या, मीनिंग। उद्देश्य वे अंतिम बिंदु है जिन्हें प्राप्त किया जाना है। नीतियाँ उद्देश्य प्राप्ति का साधन होती है। आवश्यकता, बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती, इसलिए ये अति आवश्यक है। नीतियों का निर्धारण करना इतना आवश्यक नहीं है, ये बनाई भी जा सकती है और नहीं भी। निर्धारण का स्थान, ये संस्था के उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नीतियाँ सभी प्रबंधकीय स्तरों पर निर्धारित की जाती हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए अन्य योजनाएं जैसे नीतियाँ, कार्यविधियाँ, नियम, कार्यक्रम आदि बनाई जाती हैं। तो उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक है, ये केवल एक पथ प्रदर्शक का काम करती है, तो इनका क्षेत्र संकुचित है। ठीक है, ये हो गया उद्देश्य और नीति में अंतर। उसके बाद है कार्यविधियाँ, प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का मतलब होता है किसी काम को करने में कि जो प्रोसेस है वो क्या होती है। कार्यविधियाँ वे योजनाएँ हैं जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करती हैं। उदाहरण के लिए देनदारों से रुपया वसूल करने का क्रम इस प्रकार निश्चित किया जा सकता है। उनको पहले पत्र लिखा जाएगा, फिर टेलीफोन किया जाएगा, फिर व्यक्तिगत रूप से जाकर मिला जाएगा, फिर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार सभी देनदारों से रुपया एकत्रित करने की यह एक कार्यविधि है। नीतियों और कार्यविधियों में अंतर होता है। देनदारों से रुपया वसूल करने के संबंध में संस्था की दो नीतियाँ हो सकती हैं, सख्त वसूली नीति और नरम वसूली नीति। सख्त में क्या होता है, देनदारों के साथ सख्ती से व्यवहार करते हुए शीघ्र रुपया वसूल करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि नरम में देनदारों को भुगतान करने का पूरा समय देते हुए उनसे नरम व्यवहार किया जाएगा। इन दोनों प्रकार की नीतियों में रुपया वसूल करने की कार्यविधि ऊपर बताई गई रहेगी, अर्थात रुपया वसूल करने के लिए उठाए जाने वाले कदम समान रहेंगे। फिर नीति और कार्यविधि में अंतर। फर्स्ट है, नीतियाँ उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती हैं, जबकि कार्यविधियाँ निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा बनाई जाती हैं। अवस्थाएँ, नीतियों में विभिन्न अवस्थाएँ नहीं होती। इनके माध्यम से उच्च प्रबंधक अपनी इच्छाओं को लागू करवाते हैं। कार्यविधि की विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं तथा विभिन्न अवस्थाओं को एक निश्चित क्रम में पूरा किया जाता है। उद्देश्य, नीतियों में इस बात की व्याख्या की जाती है कि संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्य करना है। कार्यविधियाँ यह निश्चित करती हैं कि नीतियाँ निर्धारित कार्यों को पूरा करने का तरीका क्या होगा। फिर निर्णयों में स्वतंत्रता, नीतियाँ विशेष परिस्थितियों में लिए जाने वाले निर्णयों की सीमा निर्धारित करती हैं और अधीनस्थों को इन सीमाओं के अंदर रहते हुए निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। कार्यविधि विभिन्न क्रियाओं का एक निश्चित क्रम है और एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित क्रम का पालन अवश्य करना पड़ता है। उसके बाद है पद्धतियाँ, मेथड। पद्धतियाँ वह योजना है जो यह निश्चित करती है कि कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। पद्धति का संबंध सभी क्रियाओं से न होकर किसी एक क्रिया से होता है और यह कार्यविधि की तुलना में अधिक विस्तृत होती है। एक कार्य को पूरा करने की अनेक पद्धतियाँ हो सकती हैं। गहन अध्ययन के बाद ऐसी पद्धति का चयन किया जाता है जिससे काम करने वाले व्यक्ति को थकावट कम हो, उत्पादकता में वृद्धि और लागतें कम आए। इस प्रकार चुनी गई पद्धति को ही दैनिक प्रयोग में लाया जाता है और इसे आदर्श पद्धति कहा जाता है। ठीक है, पद्धति क्या, मेथड है।
ये पद्धति यह निर्धारित करती है कि कार्यविधि में बताई गई विभिन्न क्रियाओं में से प्रत्येक क्रिया को कैसे पूरा किया जाएगा। उसके बाद है नियम। नियम हमें बताते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना। नियम के होते हुए किस तरह का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। नियम में जो बात कही गई है बिना किसी सोच विचार के उसका पालन करना ही होगा। जैसे कारखाने में धूम्रपान का वर्जित होना एक नियम है जो सभी पर लागू होता है और इसका पालन अवश्य में होना चाहिए। नियम का पालन न करने पर दंड की व्यवस्था भी की जा सकती है। नियम और नीति में अंतर होता है। नीति केवल मार्गदर्शन करती है और अधिकारियों को एक सीमा के अंदर निर्णय लेने के अधिकार प्रदान करती है। जैसे माल उधार बेचा जा सकता है, ये एक नीति है। लेकिन किस ग्राहक को माल उधार देना है और किसको नहीं, यह विक्रय प्रबंधक को देखना होता है। अर्थ यहाँ उसे अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। दूसरी ओर जो नियम है वो स्थिर होते हैं, वो नियम के आगे विवेक की जरूरत नहीं होती। जैसे उधार विक्रय से 10 दिन में उधार वसूल होने पर एक निश्चित दर से ब्याज लगेगा, ये एक नियम है और सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होगा। उसके बाद है नियम और नीति में अंतर। तो नियम आदेश की श्रेणी में आता है, अर्थात जो उच्च अधिकारी है वो आदेश देते हैं। नीतियाँ निर्णय लेने की सीमा को निर्धारित करती हैं। नियम को कठोरता से लागू किया जाता है। अधीनस्थों को सीमाओं में रहते हुए निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है। नियम दृढ़ होते हैं, नीति लोचिल होती हैं, और नियम एक विशेष विवरण होता है और नीति एक सामान्य विवरण होती है। ठीक है, उसके बाद है बजट। तो बजट क्या है, इसका अभिप्राय भारी कार्रवाई की गणनात्मक विवेचना से है। बजट इच्छित परिणामों के गणनात्मक विवरण होते हैं। बजट वह योजना है जो विभिन्न विभागों के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक अनुमानित धन, सामग्री, समय और अन्य साधनों का ब्यौरा देती है। जैसे क्रय विभाग के बजट में इस बारे में अनुमानित आंकड़े दिए जाते हैं कि किस किस तरह का माल कितने कितने मात्रा में कब कब खरीदा जाएगा और उस पर कितनी लागत आएगी। इसी प्रकार अन्य विभागों के भी बजट तैयार कर लिए जाते हैं। बजट का संबंध नियोजन और नियंत्रण दोनों से होता है। जब हम बजट तैयार करते हैं तो इसका संबंध नियोजन से होता है, और जब हम परिणामों में विचलन के मापने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका संबंध नियंत्रण से होता है। इस प्रकार प्रबंधक वास्तविक प्रगति की तुलना बजटीय आंकड़ों से करके सफलता या असफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और लास्ट है कार्यक्रम, प्रोग्राम। कार्यक्रम का अर्थ है किसी विशेष जॉब को पूरा करने के लिए बनाई गई एकल उपभोग विस्तृत योजना से है, जो ये निश्चित करती है कि क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा और कब करेगा। कार्यक्रम प्रबंधकों को विभिन्न जरूरतों के बारे में पहले से ही सचेत कर देते हैं ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो। कार्यक्रम अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे उत्पादन कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विक्रय संवर्धन कार्यक्रम, प्रबंध विकास कार्यक्रम। एक उत्पादन कार्यक्रम बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने से लेकर माल को तैयार करने तक की सभी क्रियाओं को क्या, कैसे, कौन, कब में परिभाषित कर दिया जाता है। जैसे ही वह काम पूरा हो जाता है जिसके लिए कार्यक्रम बनाया जाता है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अन्य शब्दों में हर नए काम के लिए नया कार्यक्रम बनाया जाता है। ठीक है, ये चैप्टर है।